वेलकम बैक गाइज, फिर से आ चुका हूँ धमाकेदार टूर्नामेंट के साथ। ये जंगली रमी का एमटीटी कैश टूर्नामेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे टूर्नामेंट क्वालिफाई करता है, कैसे टूर्नामेंट को खेलना पड़ता है। ये टूर्नामेंट दो राउंड तक चलता है, लेकिन एक एक राउंड में तीन डील होता है। तीन डील में जिसका ज्यादा पॉइंट रहेगा वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा। कार्ड मेरे को मिल चुका है, लेकिन अच्छा कार्ड नहीं मिला। एक जुकार आया है, बैगम का सेट बन सकता है और इन का नौ और पान का इक्का, ये फालतू का पत्ता है। अभी देखता हूँ क्या मिलने वाला है। एक अगर पीओ सिक्वेंस वाला पत्ता मिल जाए तो मैं सोच सकता हूँ खेलने का, नहीं तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। हुकुम कार्ड लेके मेरा पीओ सिक्वेंस नहीं बन रहा है तो फिर मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार डिग लगाने से आप फास्ट आ जाओगे, लेकिन लास्ट डील में आपको डिग लगाना है। लास्ट डील में अगर आप डिग लगाओगे तो फास्ट श्योर हो जाओगे, लेकिन उससे पहले अगर दो डिग्ला करोगे तो ही फास्ट आ सकते हो। इसे डिग्ला कर चुका है, इसको मिला 142 पॉइंट। एक का तो माइनस 80 हुआ है, क्या सोच के खेला था पता नहीं। इस बार कार्ड मुझे मिल चुका है, लेकिन कार्ड अच्छा नहीं आया। दो जुकार एक भी नहीं आया। तीन दो है, हुकुम का 9-10 है। गुलाम आएगा तो पीओ सिक्वेंस बनने का चांस है, लेकिन पीओ सिक्वेंस बना के भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा पत्ता मेरा एक्स्ट्रा रह जाएगा। जुकार होता तो मैं इसे ट्राई कर सकता था, अभी ड्रॉप दे दिया। और एक डील बाकी है, एक डील में मेरे को डिग्ला करना ही पड़ेगा तो ही मैं फास्ट आ पाऊंगा और नेक्स्ट डील में जा पाऊंगा। इसको डिग्ला कर चुका है, इसको मिला 157 पॉइंट। एक का तो माइनस 80 हुआ है, क्या सोच के खेल रहा है, ज्यादा ज्यादा पॉइंट दे रहा है। कार्ड मुझे मिल चुका है, कार्ड देख लेता हूँ। पीओ सिक्वेंस नहीं है, एक जुकार है, 10 एक आया है, एक का सेट बन सकता है, नौ का सेट हो जाएगा। इंड का नौ है और चिड़ी का नौ है, इधर हुकुम का भी नौ भी है और बेगम मुझे मिल चुका है। बेगम का भी रहने देता हूँ, नौ को मैं फेंक देता हूँ। दो चिड़ी का नौ था, फेंक दिया। अभी बादशाह हुकुम का बादशाह मिल जाएगा तो यहाँ पे एक पीओ सिक्वेंस बन जाएगा। पहले मेरे को पीओ सिक्वेंस बनाना पड़ेगा, पीओ सिक्वेंस एक हो जाएगा तो फिर इधर नौ का सेट बनाऊंगा या फिर तीन का सेट बना लूंगा। अगर मेरे को सिक्वेंस वाला पत्ता मिल जाएगा तो फिर मैं इसे डिग्ला कर सकता हूँ। बादशाह चिड़ी का बादशाह लेके कुछ फायदा नहीं होगा। दो मिल चुका है, दो को अभी रहने देता हूँ। पांच को मैंने फेंक दिया, एक्स्ट्रा पत्ता था फेंक दिया, लेकिन पांच को इसने उठा लिया, ये दिक्कत हो सकता है। इस बार मेरे को सोच समझ के पत्ता फेंकना पड़ेगा, क्योंकि पत्ता उठाने नहीं देना है, मेरे को डिग्ला कहना ही पड़ेगा। देख लेता हूँ किसने क्या पत्ता फेंका है। पांच को उसने तो उठा ही लिया, किसी भी करके मेरे को डिग्ला कहना ही पड़ेगा। हुकुम कार्ड इसने फेंका, सेट ये मेरे को चाहिए था, इसको मिल जाने से मैं एक पीओ सिक्वेंस बना लेता। जोंगली रमी में ये थ्री डील का खेल होता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम भी कम लगता है, जल्दी जल्दी खत्म होता है। अभी देखता हूँ क्या फेंकता है। बैगम ये मेरे को नहीं चाहिए था, बादशाह फेंक दे। हुकुम का बादशाह मेरे को चाहिए, हुकुम का बादशाह फेंक देने से मेरा एक पीओ सिक्वेंस, पान का इक्का ये तो ऑलरेडी मेरे पास है, इसे लेके क्या करूंगा। देखता हूँ क्या मिलता है, एक पीओ सिक्वेंस वाला पत्ता मेरे को चाहिए। पहले जोकर मिल चुका है, सही है, नौ का सेट मैं बना लिया। अभी मैं चिड़ी का दो फेंक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीन का सेट भी बन सकता है, या फिर छह का सेट बन सकता है, या फिर एक का सेट भी बन सकता है, या फिर हुकुम का इक्का बादशाह, बादशाह अगर मिल जाएगा बादशाह बेगम करके एक सीक्वेंस भी बना सकता हूँ। मेरे को जो पत्ता चाहिए किसी और ने फेंक रहा है, ये बादशाह हुकुम का बादशाह मेरे को चाहिए था। ठीक है, देखता हूँ, सात सात को लेके फायदा नहीं होगा। अभी देखता हूँ, फिर से दस मिल चुका है, दस को अभी रहने देता हूँ। अभी और एक कार्ड जरूरत है, एक कार्ड मिल जाने से मेरा डिग्ला हो जाएगा। यहाँ पे पान का दो मिल जाने से भी हो जाएगा, एक का दो तीन कर लूंगा। मेरे को एक कार्ड चाहिए, फिर सिर्फ एक कार्ड। चार मिल चुका है, चार को लेके फायदा नहीं होगा। पान का अगर दो मिलता तो कम बन जाता। अभी एक का मिल चुका है, एक का को अभी रहने देता हूँ, क्योंकि एक का सेट में बना लेता हूँ। पहले एक का सेट बना लेता हूँ। हुकुम का बैगम एक्स्ट्रा है, गुलाम मिल जाने से ये भी एक पीओ सिक्वेंस बन जाएगा। अभी मैं तीन को फेंक देता हूँ। पान का छः फेंका था, आठ फेंका था, उसने नहीं उठाया था, लेकिन तीन को उसने उठा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड मिल जाने से मेरा डिग्ला हो जाएगा। इसने तो डिग्लेयर कर चुका है, मेरा पीओ सिक्वेंस ही नहीं है। मैं भी डिग्लेयर करता हूँ, इसने तो रॉन्ग डिग्लेयर किया, मतलब इसका 80 पॉइंट मेरे को मिलने वाला है अगर मैं डिग्लेयर कर पाऊंगा तो ही। और एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड मिल जाने से मेरा काम हो जाएगा। देखता हूँ इसने क्या फेंकेगा। छह फेंका है, छह का कोई काम नहीं है मेरे पास। अभी इसने तू एक काम का पत्ता फेंक दे, मेरे से डिग्लेयर हो जाएगा। एक पत्ता, बस एक पत्ता फेंक दे। चिड़ी का आठ, इसे मैं ले लेता हूँ, आठ नौ दस कर लेता हूँ। ठीक है, आठ नौ दस कर लेता हूँ। फिर इन का नौ इधर हटाता हूँ और हुकुम का नौ भी हटाता हूँ। नौ का एक सेट बना लेता हूँ। अभी और एक कार्ड चाहिए, अभी इस बैगम को फेंक देता हूँ। बैगम का कोई काम नहीं है, इसे फेंक दिया। अगर मेरे को हुकुम का आठ मिलता तो एक कार्ड चाहिए था। हुकुम का आठ मिल जाने से मैं डिग्लेयर कर सकता था। अभी चिड़ी का आठ मिला है, मतलब जोकर देके भी एक पीओ सिक्वेंस तो मैंने बना लिया। और एक कार्ड चाहिए, किसी भी जगह पे एक कार्ड अगर मिल जाएगा तो मैं इसे डिग्लेयर कर सकता हूँ। अभी इसने पान का छह फेंका है, इसे लेके फायदा नहीं होगा। देखता हूँ क्या मिलता है। नौ मिल चुका है, अभी नौ का सेट हो गया। अभी यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी हुकुम का तीन देके मैं फिनिश करता हूँ। शायद मैं फास्ट आ जाऊंगा, क्योंकि लास्ट डील में पत्ता रहे या न रहे फिर भी खेलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, नेक्स्ट राउंड में मैं पहुंच चुका हूँ। सेकंड राउंड में मेरे को कार्ड उतना अच्छा नहीं मिला था, पोजीशन हुआ था फोर्थ और मेरे को मिला 33 रुपीस। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस। तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ठोको, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और किसी ने नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।